इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुशन कवर का बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन। तो ये इसके लिए मैंने लिया है 14 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा, मतलब स्क्वायर पीस, 4 स्क्वायर पीस मैंने इसमें लिए हैं। इस तरीके से देखिए, दो कलर के, आप चाहें तो सिंगल एक कलर में भी ले सकते हैं। और इस तरीके से इनको एक तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरीके से देखिए। अब ऊपर की तरफ पलट के हमें कलर लगाना है, जिससे कि हमारी डिज़ाइन इस तरीके से सेट हो जाएगी। जो कलर आपने पहले नीचे की तरफ रखा है, उसको नेक्स्ट आप सिलते वक्त ऊपर की तरफ रखें, इस तरीके से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पुराने कपड़ों के अच्छे अच्छे रीयूज़ के आइडियाज़ और सभी तरह की जेंट्स और लेडीज़ सिलाई के ट्रिक्स और डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इनको जोड़ लिया है, चारों ही पीस को। और ये मैंने इसके बैक में लगाने के लिए प्लेन लिया है, जिस पे मैंने, ये देखिए, 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे बीच सेंटर में, और दोनों ही तरफ हम इसमें 7-7 इंच छोड़ देंगे। और ये बीच सेंटर में इस तरीके से देखिए, ये सिलाई करनी है हमें, कि ये 7 इंच पे जो हमने निशान लगाया है 14 इंच पे, 7 इंच छोड़ के, तो उस पे इस तरीके से टिप लगा लेंगे और जिप अटैच कर देंगे इस पे, इस तरीके से देखिए। और जिप को आपको उल्टा रख के और फिर सिलाई करनी है, ताकि ये पलटने के बाद हमारी सीधी वाले हिस्से पे सही से आ जाएगी जिप, इस तरीके से देखिए। ये देखिए, और अब इसको इस तरीके से फोर फोल्ड करके और दोनों ही पीस को रख लेंगे, जो हमने डिज़ाइन वाला जो मटेरियल लिया है वो, और प्लेन दोनों ही इस तरीके से रख लेंगे, और 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से राउंड शेप में हमें निशान लगाना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है ये कुशन का, तो एक बार आप इस डिजाइन को जरूर ट्राई करें। मार्केट वाले कुशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ इसमें। ये देखिए, पूरा ही ये राउंड शेप में मैंने कटिंग कर लिया है, और अब इसमें पाइपिंग के लिए मैंने ये ब्लू पट्टी काट ली है, उरेप जो तिरछी पट्टी होती है उसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है मैंने। पूरे में ही इस तरीके से पाइपिंग हम लगा लेंगे इसमें, आगे और पीछे दोनों ही पीस को इस तरीके से बराबर करके और पाइपिंग लगानी है। और पाइपिंग को शुरू करते हुए थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है। देखिए, इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको बैक वाले हिस्से पे भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सीधे वाले हिस्से पे भी इस तरीके से, अगर आपकी प्रैक्टिस में है तो सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये पाइपिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब इस तरीके से जो हमने स्क्वायर पीस लगाए थे उन पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको डबल करके और सिलाई कर लेंगे, इस तरीके से देखिए। ये 4.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है चौड़ाई में इसमें, और पूरा ही जो हमारा तिकोना जो हिस्सा आ रहा है वहाँ तक मैंने निशान लगा के और चारों ही पीस में इसी तरीके से सिलाई कर लिए डबल फोल्ड करके, इस तरीके से देखिए। चारों ही पीस ये बराबर हमारी सिलाई होनी चाहिए। अगर आपने 1-4 इंच लिया है तो चारों ही पीस में 4 इंच पे ही सिलाई करें, इस तरीके से देखिए। ये देखिए, अब इनको फोल्ड कर लें, इस तरीके से पलट लें इनको, तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर डिज़ाइन बन जाएगा, इस तरीके से देखिए। ये देखिए, और ये जो जिप हमने अटैच करी है इसमें, इसको इस तरीके से, जो सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगाई है बीच में 14 इंच की, उसको इस तरीके से खोल लेंगे इस सिलाई को, और इसके बीच में एक ये बटन लगा दिया है मैंने, जिससे कि ये कुशन कवर और भी बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा बना है। तो
तो एक बार इसको जरूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए बनाना बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं।